नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांदा इलाहाबाद राजमार्ग पर हुआ भयानक हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बांदा इलाहाबाद राजमार्ग पर गुरुवार को सुबह गिरवा थाना क्षेत्र में महुआ गांव के पास रोडवेज बस और कार के बीच भयानक टक्कर हो गई। टक्कर आमने सामने से होने के कारण कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। नाबालिग लड़की का खतरनाक खेल, पहले दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर किया ये काम। सरिता विहार इलाके में बदला लेने के लिए एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ युवक को हनी ट्रैप में फंसा दिया। युवक को जेल भी हो गई। इस तरह युवक का करियर बर्बाद हो गया। वह हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता था। सरिता विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हनी ट्रैप में फंसाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांचगढ़ में मौसम की बेरुखी से किसानों में मायूसी, मजबूरी में करेगी ये काम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खंड वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में हो रही है खंड वर्षा ने किसानों के हरेली त्योहार की खुशी फीकी कर दी है। बारिश की कमी के चलते फसलों को हो रहे नुकसान के कारण किसानों में मायूसी छाई है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।